समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव मिशन 2024 का बुगल फूंकेंगे। जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा निकालेंगे जो लखीमपुर खीरी से दोरहरा तक जाएगी। इस तरह सपा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर रही है, लेकिन जब जब सपा ने यात्रा निकाली है उसे राजनीतिक लाभ मिला है। ऐसे में देखना है कि इस बार रथ यात्रा से क्या सियासी संजीवनी मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा यूथ और बूथ को मजबूत करने में जुट गई है। पिछले दो दिनों से लखीमपुर खीरी में अपने कैडर को बूथ प्रबंधन, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र का भविष्य और लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर ट्रेनिंग दे रही है। बूथ से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5,000 कार्यकर्ता शिरकत किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उन्हें चुनावी जीत का मंत्र देंगे। सपा इस तरह के शिविर हर जिले में लगाने की रूपरेखा बनाई है। इन शिविरों के आयोजन में धार्मिक स्थलों को तवज्जो दी जाएगी। लखीमपुर खीरी के बाद 9 और 10 जून को नेमी सरायणे में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस तरह अखिलेश यादव हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 के लिए तैयार करेंगे। जिलों में शुरू हुए प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर वो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। अदाब नमो बुद्धा।